कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की जीत श्री राहुल गांधी जी की तपस्या, श्री मल्लिकार्जुन खड़गे की अथाह मेहनत और संकल्प, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा चरणबद्ध होकर अथाह और बेशुमार मेहनत और एक नीतिगत तरीके से चुनाव लड़ने का कांग्रेस का तरीका, ये उसके चलते कांग्रेस की जीत कर्नाटक में हुई। ये एक प्रांत की जीत नहीं है, ये देश में राजनीति की करवट का संकेत है। और जैसा अब आरएसएस और बीजेपी के लोग अपनी पत्रिकाओं में लिखने लगे हैं कि ये मोदी जी के नेतृत्व को नकार देने का बिगुल भी है लोगों के द्वारा, क्योंकि लोग जुमलों से थक गए हैं, झूठे वादों से थक गए हैं। और अगर मैं हरियाणवी भाषा में कहूँ तो भाजपा की मीठी गोलियों और टॉफियों से थक गए हैं। इधर भाजपा जजप्पा सरकार और दिल्ली में मोदी सरकार, दोनों ने मिलकर देश के भविष्य को लूट लिया है, देश के प्रजातंत्र को कुचल दिया है, देश के संविधान को लहूलुहान कर दिया है, देश की संवैधानिक संस्थाओं को रौंद दिया है। और इसलिए देश अब बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, नफरत और बंटवारे की आंधी के खिलाफ एक नया बिगुल बजाने को तैयार है। उस बिगुल की हुंकार आपको सुनाई दी कर्नाटक में, पर वो कर्नाटक के 6.5 करोड़ लोगों के साथ साथ देश में बदलाव की करवट की आहट भी है, और अगर मैं ये कहूँ कि एक शंखनाद भी है तो शायद सही होगा। मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझे एक कार्यकर्ता के तौर पर और प्रभारी के तौर पर कर्नाटक की कांग्रेस का नेतृत्व करने का मौका मिला। पर मुझे इस बात की कोई गलत फहमी नहीं कि हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का आशीर्वाद, हरियाणा के 2.5 करोड़ लोगों का संकल्प, हरियाणा की माटी की संस्कृति और संस्कार, उन सबको हम लेकर चले। और उस संस्कार और संस्कृति का परिणाम है कि हरियाणा और कर्नाटक की संस्कृति ने मिलकर तानाशाहों को हरा दिया और देश में लोगों की सरकार बनाने का पदार्पण किया। कर्नाटक में आप प्रभारी थे, आपने सभी को एक सूत्र में बांध दिया, हरियाणा में तो आप भी एक पक्ष हैं, तो सभी को कैसे सूत्र में बांध दिया? देखिए, सवाल नेताओं का है ही नहीं, हरियाणा की जनता बदलाव के लिए तैयार है। हरियाणा की जनता केवल नेताओं को सत्ता में नहीं बिठाना चाहती जैसा कुछ नेता मानते हैं, हरियाणा की जनता का एजेंडा चाहती है। हरियाणा के दलित के लिए कांग्रेस क्या करेगी हमें ये बताना पड़ेगा एक एक घर जाकर। हरियाणा के पिछड़े वर्गों के लिए हम क्या करेंगे हमें ये उन्हें बताना पड़ेगा। हरियाणा के नौजवान के लिए हम क्या करेंगे ये आज वक्त की मांग है, इस बात का एजेंडा सामने रखना। हरियाणा के छोटे छोटे दुकानदार, अग्रवाल समाज, पंजाबी समाज, शहर में रहने वाले साथियों के लिए हम क्या करेंगे, कैसे हरियाणा के 68 से ज़्यादा शहरों की शक्ल को बदलेंगे जो अब स्लम में तब्दील हो चुके हैं, हरियाणा के गांव में एक नई खुशबू की आहट कैसे आएगी, हरियाणा में जो छोटी छोटी बिरादरियां हैं उन्हें बराबरी का अधिकार हम कैसे देंगे, ये लोग जानना चाहते हैं। लोग ये नहीं चाहते कि कोई एक व्यक्ति केवल मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई लड़े, ये लड़ाई मुख्यमंत्री या मंत्री बनने की नहीं, ये लड़ाई हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन की है, जो हम सब मिलकर कांग्रेस में राहुल जी और खड़गे साहब के नेतृत्व में करके दिखाएंगे। भाजपा इस वर्ष को अमृतकाल बता रही है, आप क्या कहना देखते हैं? आदरणीय मित्र, अमृतकाल का मतलब होता है जहां बेरोजगारी ना हो, महंगाई ना हो, बराबरी का माहौल हो, अमन चैन हो, भाईचारा हो, जाति और धर्म का बंटवारा ना हो। परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने देश की संस्कृति में एक विशेलापन और बंटवारा फैला दिया है। देश को जात और धर्म के आधार पर बांटकर आप देश को अमृतकाल में कैसे ले जा सकते हैं? अमृतकाल प्रेम की दुकान से चलेगा, नफरत की दुकान में अमृतकाल नहीं चल सकता।